हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आपको पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारी जो टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है, मैं आज इन यूनिट 7 का मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ने जा रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का, वो टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो आज हम बेसिक चीजें राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है और संविधान में इसके लिए क्या चीजें मेंशन की गई हैं। तो आज हम अपनी इसी टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और सभी को मेरा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जल्दी जल्दी लाइव आते रहिए और इसको शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से एन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। एन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद एन अकेडमी आप अपना गोल सेलेक्ट करिएगा, एनटीए यूजीसी नेट। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एन अकेडमी 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और आज लास्ट डेट है, ये याद रखिएगा, आज लास्ट डेट है 25th of December। गाइस, आज के बाद क्या होने वाली है, नेट की फीस हाइक होने वाली है। तो हाइक होने से पहले पहले प्लीज आप लोग प्लस पर सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर आप प्लस पर कब से पढ़ाएंगे, का क्या कर रहे हैं? तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग प्लस पर एडमिशन ले लीजिएगा, तो आप मेरी क्लासेस प्लस पे भी आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। और वैसे भी मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम आप 12th मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको आसानी के साथ रिवीजन करने में वहां पे सहायता हो जाएगी। और ये सब तभी पॉसिबल होगा, केवल आप देख रहे हैं अपकमिंग बैचेस की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी बैचेस ही बैचेस की शुरुआत हो रही है। तो गाइस हरी अप, लेट मत करिएगा, केवल आज ही आखिरी दिन है और ये सब आपको इतनी फैसिलिटीज केवल एक सब्सक्रिप्शन से मिलने वाली है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 10,000 rupees 12th मंथ की है और आप मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज करते हैं तो भैया आपको 10% तो और ज्यादा छूट मिल जाएगी, तो फीस आपकी 9,000 अप्रोक्स पड़ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम पैसे में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में एन अकेडमी पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो ये मौका अपने हाथ से गवाइए नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है गाइस। तो इसको चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए आज हम शानदार तरीके से अपने टॉपिक को यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं आज टॉपिक आप लोगों को प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या, और एक चीज मैं बता दूं, मेरी स्पेशल क्लास सैटरडे संडे यानी कल, स्पेशल क्लास के बारे में मैं सबको बता दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरी जो स्पेशल क्लास है वो कल और परसों होगी, यानी सैटरडे संडे की होगी, ठीक 10 बजे से मैं शुरुआत कर दूंगा। 10 AM मॉर्निंग पर स्पेशल क्लास मैं शुरुआत कर दूंगा। इसी वजह से जितने भी बच्चे अभी तक एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो फौरन जाइएगा, एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, क्योंकि सैफ सर की स्पेशल क्लास वहां पे होने वाली है। और गाइस वहां पे हम बहुत शानदार तरीके से आपको सारी चीजें वहां पे देने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल तो आज हम अपने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारा प्रेसिडेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में क्या प्रोविजन है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जो पहली बार आ रहे हैं, और मैक्सिमम शेयर कर दो भाई इसको जल्द से जल्द। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, जब हमारा पार्ट 5 हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और देखिए मैं आपसे फिर बता दूं, जैसे कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो मैं 20 से आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो लगेगा अरे सर कैसे छूट चुका है सारी चीजें। बेफिक्र रहिएगा, स्पेशल क्लास में मैं पूरी सीरीज लेकर के आया हूँ आपके लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी यूनिट 7, उसको कराऊंगा, फॉरेन पॉलिसी कराऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशन कराऊंगा, पैबैड कराऊंगा, मतलब सारे टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ गाइस। तो कोई भी टॉपिक सैफ सर मिस नहीं करने वाले हैं। 10th यूनिट सैफ सर आपके पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट कराने वाले हैं, बशर्ते आप यह जल्द से जल्द ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए भी मेरा रेफरल कोड SAF10 ही डाल दीजिएगा। तो SAF10 जैसे आप डालेंगे तो मेरी क्लासेस फ्री वाली अनलॉक हो जाएगी, तभी आप फ्री में मेरी क्लासेस देख पाएंगे, ओके। और जो बच्चे पूछ रहे थे सर प्लस पे एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए भी SAF10 यूज करिएगा, तो जिससे आप हमसे प्लस पर भी और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर पे आप पढ़ाई कर सकें। चले गाइस जल्दी से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमारी टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो आज हम भैया राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति
महोदय के बारे में। चलो भाई महामहिम राष्ट्रपति, तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान जब हम जाएंगे तो भाग 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बात करता है, और वो आर्टिकल है आपका 52-751। और याद रखिएगा, बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन एकदम शुरू से पढ़ाने वाला हूँ, तो कोई टॉपिक आपकी नहीं मिस होने वाली है, ये मेरा वादा है आप सभी से। पेशेंस बनाए रखिएगा। बाकी इस टाइम पे आप लोगों को मालूम है इस समय आपकी यूनिट नंबर 2 चल रहा है, तो मंडे टू फ्राइडे आपकी यूनिट 2 ही चलेगी इस शाम से 4-5 वाली बैच में, और अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस में मैं यूनिट 3 पढ़ा रहा हूँ। तो बेफिक्र रहिएगा, टाइमिंग आपकी कोई चीज दिक्कत नहीं होने वाली है, और कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर हो या फॉरेन पॉलिसी हो या जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, मैं उसको स्पेशल पे लेकर के आ रहा हूँ स्पेशल क्लास में। तो गाइस प्लीज आप सारी जगह मुझे फॉलो करिए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे स्पेशल क्लास हो या प्लस क्लास हो, तो आपको सैफ सर के माध्यम से सारी शानदार चीजें मिलने वाली है। लेकिन आप जल्द से जल्द, आज आखिरी डेट है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग जल्द से जल्द प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ओके गाइस, तो अब हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल 52 एकदम साफ साफ कहता है, अनुच्छेद 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और आर्टिकल 53 कह रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रेस्ट इन द प्रेसिडेंट हु कैन डिस्चार्ज इट आइदर पर्सनली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। आर्टिकल 53 कह रहा है, केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी शक्तियां, केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होंगी, वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी, और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ यानी कि अपने से नीचे अधिकारियों के माध्यम से वो कार्य करवाएंगे। ये आर्टिकल नंबर 53 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम साफ साफ कह रहा है। ओके, फिर क्वालिफिकेशन के बारे में चलते हैं। देखिए बहुत प्यार से हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, और धीरे धीरे सब कुछ आपको कवर करा दिया जाएगा, और आपकी टॉपिक भी कंटिन्यू रहेगी। याद रखिएगा यूनिट 2 चल रहा है इस समय, तो यूनिट 2 ही मंडे टू फ्राइडे में पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा उसके लिए। आज क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा था, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को बनने के लिए हमारे संविधान में क्या योग्यता है, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो उसको बी अ फर्स्ट मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। तो वो भारत का क्या हो, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक, मतलब जो नागरिक होगा वही राष्ट्रपति बनने के काबिल होगा, वही राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफाइड होगा, याद रखिएगा। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बोला गया है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसकी एज 35 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 35 साल की कम से कम एज होनी चाहिए, उससे कम एज में वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता, 35 प्लस एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। दूसरा तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के एमपी बनने की। तो याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। देखो मैं आज आपको बेसिक क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों आप जब हमसे स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे वहां पे, तो देखिएगा साहब सर आपको एकदम शुरू से लेकर के आखिरी तक समझाने वाले हैं, बेफिक्र हो जाइएगा, एकदम ईजी से समझा दूंगा। यहां भी समझा रहा हूं, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे नहीं समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल। लेकिन क्या है, एक सीरीज चल रही है ना एकदम सीक्वेंस वे में, तो सारी की सारी सीरीज वाइज मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप जानते होंगे सैफ सर यूनिट 1 पढ़ा चुके हैं, सैफ सर यूनिट 2 पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट करने वाले हैं आपके चैनल पर, यूनिट 3 भी सैफ सर आपको अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर कंप्लीट करवा रहे हैं, और उसके बाद स्पेशल क्लास में यूनिट 7 चला रहे हैं, फिर आगे देखेंगे प्लस क्लासेस पे हम IR या फॉरेन पॉलिसी लेकर के आएंगे, या जो भी पबैड होगा, गवर्नेंस होगा, मतलब आपके लिए सैफ सर सारी यूनिट्स पढ़ाने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, सब चीजें मिलने वाली होगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को मेरे। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वालिफिकेशन बताई कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल की एज हो उसकी, और लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और याद रखिएगा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है, इस चीज को नो डाउन करते रहिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है, और डिसीजन आर टेकन इन हिज नेम, और सारे फैसले राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चले गाइस आगे बढ़ते हैं। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, लाभ का पद, यानी कि इससे पहले प्रेसिडेंट बनने से पहले ऐसा नहीं है कि एक साथ हमारे यहाँ देखिए एक साथ एक इंसान दो चीजों पर नहीं रह सकता ना, दो सरकारी पदों पर,
तो इसी वजह से बोला गया है कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए उस समय प्रेसिडेंट बनने के वक्त। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। अब हम आगे देख के चलते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है। गाइस इनके चुनाव यानी निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 54, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज एंड इज इलेक्टेड बाय ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड द मेंबर्स ऑफ राज्य विधानसभा। अब देखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होना चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज होने चाहिए। निर्वाचक मंडल का क्या मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से लोग शामिल होंगे जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करेंगे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन होते हैं। नंबर एक पे लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्य होंगे। याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकते राष्ट्रपति के लिए, निर्वाचित सदस्य होंगे कहाँ के, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, निर्वाचित सदस्य होंगे राज्यों की विधानसभा के, ये भी निर्वाचित सदस्य होंगे राज्यों की विधानसभा के। और फिर तीसरा कौन वोट का और कर सकता है यूटीज में यानी यूनियन टेरिटरीज के, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के विधायक भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये प्रोविजन कब किया गया, हमारे यहाँ 70वां संविधान संशोधन 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया। ठीक है, और उसके बाद किया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधायक होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और पहली बार 1977 के यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया था राष्ट्रपति के इलेक्शन में। आई होप गाइस आपको सारी बेसिक चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलो अब हम आगे देख के चलते हैं सारी चीजें और क्या है। ठीक है, फिर इनके इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया समझते हैं यहाँ पे, तो बेफिकर हो जाइएगा। तो अब हम आपको प्रक्रिया समझाने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन लोग पहले या जैसे कोई किसी भी इलेक्शन लड़ना है तो क्या करेगा। हमारे यहाँ देखिएगा आर्टिकल नंबर 54, 55 और 71 डील विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकल There are some parliamentary law which is also deal with the election of president. इसका क्या मतलब होता है, आसानी से समझिएगा। हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 54, 55 और 71 ये डील करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। और इसके अलावा संसदीय कानून भी है हमारे यहाँ, जिससे पूरी की पूरी व्यवस्था एकदम बनाई गई है कि किस तरीके से इलेक्शन होना है, कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिएगा क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को 1997 में संसद ने एक लॉ लाया और पास करा करके एक एक्ट बना करके इनका मतलब और भी प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके लिए हुआ ये कि किसी भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम प्रपोज बाय 50 इलेक्टोरल्स एंड सेकेंडेड बाय 50 मोर इलेक्टोरल्स, यानी कि 50+50 निर्वाचक और प्रस्तावक या अनुमोदक होने चाहिए। कहने का मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले भी आपके पास 50+50 100 लोगों का क्या होना चाहिए, इनडायरेक्टली समझ लीजिएगा समर्थन होना चाहिए। अब भाई ऐसे थोड़ी ना आपका कि किसी का भी मन आया वो खड़ा हो गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कम से कम आपको 50-50 सांसदों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए कि हाँ चलिए आप लड़िए इलेक्शन, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाकर के आप एलिजिबल हो सकते हैं खड़े होने के लिए संसद के कानून के हिसाब से। समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, यानी कि कुछ जमानत राशि जमा भरनी पड़ती है, वो 15,000 रुपये है। कितना है, 15,000 रुपये है। और ये देखिएगा, आप लोग सुनते होंगे अपने समय में कि फला कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, तो क्या होता है जमानत जब्त का मतलब, ये भी समझ लीजिएगा। जमानत जब्त का मतलब होता है जो पैसा वो सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा करते हैं, अगर वो टोटल वैलिड वोट का 1/6 वोट नहीं पाते हैं, टोटल वैलिड वोट का 1/6 वोट नहीं पाते हैं, तो वो उनका जैसे ये 15,000 रुपये है, ये 15,000 रुपये इनका नहीं मिलेगा। अदरवाइज 1/6 से वैलिड वोट पा जाते हैं तो ये इनका सिक्योरिटी मनी होता है, ये लौटा दिया जाता है। तो गाइस बेसिक चीजें हम प्रेसिडेंट के बारे में देख के चल रहे हैं। चलो गाइस आगे हम देख के चलते हैं कि और प्रेसिडेंट महोदय के बारे में किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या और हमको यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं।
तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन पे आते हैं। अब हम समझते हैं कि और अच्छे से इलेक्शन कैसे होता है पूरी तरीके से। तो बेसिक चीजें देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूं कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के बारे में, यानी कि एक एमएलए का वोट की वैल्यू निकाली जाती है, एक विधायक की और एक एमपी की वोट की वैल्यू निकाली जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही वोटिंग होती है। क्योंकि आज हमारे यहाँ 28 स्टेट प्लस 7 यूटीज है, हालांकि सॉरी 9 यूटीज है, तो इस समय केवल दो ही यूटीज तो पार्टिसिपेट कर सकती है ना, दिल्ली और पुदुचेरी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये जो 28 स्टेट हैं, ठीक है, 28 जो स्टेट हैं, तो हर जगह की पॉपुलेशन अलग अलग है और हर जगह के विधायक नंबर अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको एक बैलेंस अप्रोच नहीं देंगे, एक पार्टिकुलर नंबर फिक्स नहीं करेंगे, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। पता चला यूपी के विधायक ज्यादा है तो यूपी में ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इसी हिसाब से एक बैलेंस अप्रोच किया गया है कि भैया सबके वोटों की वैल्यू कुछ ऐसी की जाए कि एक बैलेंस कर लिया जाए, तो सभी स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से सारी चीजें हो जाए। तो अब यहाँ पे हम देख के चलते हैं, एक विधायक के वैल्यू कितनी होती है वोट की। जैसे मान लीजिए आप एमएलए हैं, आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोटिंग करनी है, हैं? तो अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे साफ साफ मेंशन मैं यहाँ पे कर दूं गाइस कि अपने अपने स्टेट के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी जैसे आप यूपी में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यूपी में इस समय 20 करोड़ पॉपुलेशन है, आपको मालूम होगा ना। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इस समय यूपी में सीटें कितनी हैं, 403 विधायक होते हैं ना, 403 प्लस 1 404 टोटल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इलेक्टेड की बात कर रहे हैं तो 403 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो 20 करोड़ डिवाइडेड बाई 403 इंटू 1/1000, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यूपी के एक विधायक की वोटों की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से हम बिहार को देखेंगे, महाराष्ट्र को देखेंगे, एमपी को देखेंगे, राजस्थान को देखेंगे, उड़ीसा को देखेंगे, छत्तीसगढ़ को देखेंगे, गुजरात को देखेंगे, सारे स्टेट इसी तरीके से हम देखते देखते उनकी पॉपुलेशन फिर उनके विधायक की संख्या इंटू 1/1000। तो एक, तो यहाँ देखिए मैंने यूपी का एग्जाम्पल लिखा है, तो एक विधायक की वोटों की वैल्यू निकल के आएगी कि एक एमएलए की यूपी में वोटों की वैल्यू कितनी होगी। तो इस हिसाब से सभी जगह की एमएलए की वैल्यू निकाल दी जाएगी। उसके बाद हम आप इस सांसद की वोटों की वैल्यू समझते हैं, उससे पहले इसको हम रफ करते हैं। तो गाइस आई होप मजा आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा, तो बेफिक्र रहिएगा, नहीं समझ में आएगा सैफ सर हैं आपके लिए, तो अवेलेबल हैं सैफ सर, कहीं जाने वाले नहीं हैं। सारी चीजें आपको स्पेशल क्लास में, जो मेरी सीरीज चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे एक एक चीज वहां पे मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि जो इंट्रैक्शन होता है वहां जबरदस्त तरीके से होता है। यूट्यूब पे देखिएगा स्लो रहता है 30 सेकंड कम से कम, और इससे क्या होगा, चलो फिलहाल तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जबरदस्त तरीके से यही समझा दूं। फिर एक सांसद के वोटों की मूल निकालने हैं, वैल्यू निकालने हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएज वोट, अब समझना कि एक सांसद की वैल्यू कैसे निकलती है, एक एमपी की, तो एक एमपी की मतलब कि अभी तक जो हमारे 28 स्टेट के विधायक हैं, 28 स्टेट के जो विधायक हैं, हम सभी विधायकों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और मान लीजिए यहाँ पे आ गया 100। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि पूरे सभी 28 स्टेट के एमएलए की टोटल वैल्यू आ गई 100, और उसके बाद जितने एमपी इलेक्टेड हैं, तो जैसे 545 इलेक्टेड है ना, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, उससे हम डिवाइड कर लेंगे, तो एक एमपी की वैल्यू निकल के यहाँ पे चली आएगी। तो अब क्या है, एक सांसद वोट डालेंगे तो एक विधायक वोट डालेंगे, सबकी वैल्यू देखिएगा, एक बैलेंस अप्रोच हो गया है, अब राष्ट्रपति का वोटिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए मैं एक चीज और बता दूं, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए कम से कम एक इलेक्टोरल कोटा होना चाहिए। वो इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, इसको समझा दे रहा हूं। तो इलेक्टोरल कोटा का मतलब होता है, कोटा होता है वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वैल्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, कभी जीत हार कैसे होगी, जीत हार कैसे होती है आपको मालूम होगा ना। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, आप बताइए क्लास में 100 लोग हैं, किसी को जीतना होगा तो कितने वोट से जीतेगा, मतलब कम से कम कितना वोट उसको चाहिए होगा। भैया सीधी सी बात है, टोटल वैल्यू डॉट 100 है डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50 और प्लस 1, तो प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1 इक्वल टू 51। तो अब समझ में आ गया कि आधे से एक ज्यादा होगी तो वो राष्ट्रपति जीत जाएगा, जो भी प्रेसिडेंट इतना वोट पाएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव किस तरीके से होता है। आमतौर पर हम लोग एमएलए के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एमपी के इलेक्शन में, डायरेक्टली इलेक्शन जो हम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो इलेक्शन होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम होता है।
मतलब हम लोग जो एमएलए एमपी को चुनते हैं अपने अपने स्टेट से, अपने अपने जगह से, अपने अपने शहरों से, वो हमारा सिस्टम कहलाता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अब क्या होता है गाइस, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इसको समझिएगा, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, बेफिक्र रहिएगा, साफ सर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। अब क्या होने वाला यहां पे, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए तीन कैंडिडेट खड़े हुए, तीन पार्टी से, ए बी सी या डी, मान लीजिए चार लोग खड़े हुए। आमतौर पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी देखेंगे बाद में, पहले इसको समझ लो, जो हम लोग एमपी एमएलए की वोटिंग करते हैं, मान लीजिए इनको मिल गया 30% वोट, इनको मिल गया 25% वोट, इनको भी मिल गया 25% वोट, इनको मिल गया 20% वोट, तो टोटल 100 वोट होंगे, नहीं हो गए 100%, तो अब जीत किसकी होगी, 30% वाले की होगी। हम कह रहे हैं ये 29% पाए होते हैं, 29, तो भी जीत किसकी होती, 30% वाले की। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो पीपल, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बोलते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, उसमें होना चाहिए कि 50%+1, तब जाके जीत होगी, अदरवाइज जीत नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। आमतौर पे हम लोग जिनको जिताते हैं एमपी एमएलए को, वो इस प्रोसेस से जिताते हैं, ठीक है, ये 30% वोट है, इनका 29 है, तो ये जीत हो जाएगी 30 वाले की, समझ में आ रहा है ना। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आधे से ज्यादा वोट पाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रेसिडेंट महोदय जीतेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही आर्टिकल नंबर 55 कह रहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसी के तहत हमारे यहाँ वोटिंग होती है और 50% + 1 कोटा चाहिए होता है प्रेसिडेंट को इलेक्शन में जीतने के लिए। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिएगा, लेक्चर को गाइस शेयर करते रहिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको देख, आप जो मेरे पुराने बच्चे हैं, देखिए ज्यादातर इसमें से मेरे पुराने बच्चे मुझे लाइव रोज देखते हैं, और ये एक टीचर के लिए बहुत सम्मान की बात होती है कि कंटिन्यूअसली आप 20-25-30-35 लोग 40 लोगों तक आप लाइव रहते हो लगातार, ठीक है, और लगातार हमसे बने होते हो, एक एक घंटे की आप मेरी क्लास, पूरे महीने आप क्लास किए हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं देखिएगा, वो मेरे साथ यूनिट 1 फिनिश कर चुके हैं, यूनिट 2 खत्म कर रहे हैं, और यूनिट 3 भी खत्म कर रहे हैं, और स्पेशल क्लास पे यूनिट 7 भी पढ़ रहे हैं। तो सोचिए, चार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं आपको चार यूनिट पढ़ा रहा हूँ, और एक तो और लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट के चैनल पर मैं आपको पेपर 1 भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे भी काफी बच्चे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सम्मान देते हो, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब प्यारे बच्चों। मैं दुआ देता हूँ कि आप लोग कामयाब हो, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं यही चाहता हूँ, और इसी तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सारी चीजें मेंटेन रखो, और एक जो स्टूडेंट्स के वर्च्यूज होते हैं, जो गुण होते हैं, उसको मेंटेन रखिएगा। स्टूडेंट के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होनी चाहिए, लॉजिकल एक रैशनैलिटी होनी चाहिए, एक इंक्वायरिंग स्पिरिट होनी चाहिए, और उसको हार्ड वर्कर भी होना चाहिए, ठीक है, लेबोरियस भी होना चाहिए। कहते मतलब भैया अच्छे से मेहनती भी करो, मेहनत भी करोगे तो उसी तरीके से, कहते ना जिंदगी आपको यहाँ पे एक बार मिली है, इतने जबरदस्त तरीके से देखो जिंदगी जीना है, ठीक है। अब मैं आपको मोटिवेशनल चीजें बोल रहा हूँ, जिंदगी तो जीना है, इसमें कोई चांसेस नहीं है कि आपको पीछे जाने का। तो अब भैया आपकी मर्जी, चाहे हंस के जी लो, चाहे रो के जी लो, ये तो आपके डिपेंड कर रहा है। कुछ लोग जीते, सब लोग हैं ना, सब लोग जी रहे हैं, अब कोई हंस के जी रहा है, कोई रो के जी रहा है, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। तो हंस के जियो भाई, एंजॉय करते रहो लाइफ को, और टेंशन बिल्कुल मत दिया करो, क्योंकि इंसान की जो कैपेसिटी होती है उतना ही वर्क उसके ऊपर लोड आता है, मैं आपको बता दूं, उससे ज्यादा उसके ऊपर नहीं आता। आप कहते होंगे अरे 8-10 घंटा पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता होगा, या जो भी आप चाहते होंगे, घर का भी काम है, सब कुछ मैनेज करना है, तो आप वो कर सकते हैं, तभी वो काम आपके ऊपर आया है। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए। मैं आपसे बता दूं बच्चों, एक इंसान जिस दिन वो अपनी कैपेबिलिटी को, अपने एबिलिटी को, अपने अंदर के गुणों को पहचान लेगा, तो उस दिन वो कामयाब होने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इस कदर मेहनत करिएगा,
कि आपका सफलता बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, लेकिन मेरी क्लास की टाइमिंग मत भूलिएगा, सुबह 10 से 10:30 मंडे टू फ्राइडे, लेट्स क्रैक एन अकेडमी यूजीसी नेट के चैनल पर पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, वहां भी आइए आप लोग, पहली चीज, क्योंकि आपका पेपर वन भी बहुत जरूरी है और 5 क्वेश्चन मिलने वाला है और आने वाले समय में मैं कम्युनिकेशन और भी सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा, तो आपको सैर सर के साथ शानदार तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलने वाला है। 10 बजे टाइम ना भूलिएगा, 10 से 10:30। 11 बजे अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस के चैनल पे आता हूँ, वहाँ यूनिट 3 करा रहा हूँ, वहाँ पे भी आइए, और इस समय 4 से 5 में मैं आपको यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ, तो इस पे भी मेंटेन रहिएगा, और स्पेशल क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की पूरी सीरीज लेकर के आया हूँ, और आप लोग डिमांड करेंगे तो IR भी और फॉरेन पॉलिसी भी लेकर के आऊंगा, बेफिक्र रहिएगा, पवैड भी लेकर आऊंगा, गवर्नेंस भी लेकर के आऊंगा, तो कोई यूनिट सैफ सर छोड़ने वाले नहीं है, कोई टॉपिक सैफ सर छोड़ने वाले नहीं है, बशर्ते आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, ये वादा है मेरा, अगर आप लगे रहेंगे तो पूरी जिम्मेदारी है कि अनअकैडमी हम आपसे जिम्मेदारी लेते हैं आगे कि आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन आप भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा। चलो, तो यहाँ पे हमने देखा है सारी की सारी चीजें, इसको रफ करते हैं, अब आगे आर्टिकल 71 पे पहुंचते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपके लिए हूँ, बेफिक्र रहिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो हूँ मैं, ठीक है, स्पेशल क्लास पे इस टॉपिक को अच्छे से और पढ़ा दूंगा, यहाँ भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा यूट्यूब पे अच्छे से नहीं पढ़ाया जाएगा, स्पेशल पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सैर सर आपको दिखेगा, आपके साथ बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाले हैं, एक एक चीज इतने शानदार तरीके से देने वाले हैं, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा, इतना मैं कहता हूँ, तो आप अगर हमारा साथ दीजिए, देखिए जून GRF 2021 दूर रही है फिर वो चलो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है आर्टिकल नंबर 71 में, यानी कि आर्टिकल 71 क्या कह रहा है, प्रेसिडेंशियल से इलेक्शन में जो डिस्प्यूट होगा, जो विवाद उत्पन्न होगा, वो आर्टिकल 71 क्या कहता है, इसको देखते हैं। ऑल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन विल बी हर्ड बाय प्रेसिडेंट एंड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, एकदम साफ साफ कह रहा है कि अनुच्छेद 71 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा, अभी हम आगे इसको और देखेंगे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे देखिए मेंशन तो नहीं किया है, उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, ओके, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा, बाध्यकारी होगा, मैंडेटरी होगा, तो मैंडेटरी फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करेंगे अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो पेटिशन तभी डाली जा सकती है जब कैन बी फिल ओनली बाय द कैंडिडेट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। कहने का मतलब, एक बार जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप वहां पे पेटिशन दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो बाध्यकारी होगा, मैंडेटरी होगा, सभी को मान्य होगा, ठीक है, तो आर्टिकल 71 ये बात कहता है। चलो भैया, अब हम इनके कुछ कार्यकाल के बारे में देखते हैं, राष्ट्रपति महोदय के कार्यकाल के बारे में। मजा आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मजा आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, तो गाइस प्लीज शेयर कर दो, यकीन मान लीजिएगा सैफ सर आपके लिए इतने शानदार तरीके से सारी टॉपिक कवर कराने वाले हैं कि आप यूनिट 10 एक से लेकर के 10 यूनिट पूरी की पूरी यूनिट की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं आपकी, अलग अलग चैनल पर, अलग अलग जगह पे, स्पेशल क्लास हो, प्लस क्लास हो, या हमारी यूट्यूब अकेडमी पॉलिटिकल साइंस की हो, या इस यूजीसी नेट की हो, लेट्स क्रैक की हो, 4-5 प्लेटफॉर्म पे सैफ सर आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और अलग अलग रोज टॉपिक के साथ आने वाले हैं। तो अगर आपके साथ सैफ सर इतना कर रहे हैं तो भैया आप भी सैफ सर का साथ दीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज लास्ट डेट है, प्लीज गाइस इस चीज को सीरियस लीजिए, आज 25th of December लास्ट डेट है, अदरवाइज फीस हाइक हो जाएगी और अच्छी खासी फीस हाइक होने वाली है, देख लीजिएगा अप्रॉक्स आपकी ये फीस 14,000 या 15,000 जाने वाली है 12th मंथ की, अभी 10,000 है, तो सोच लीजिएगा और जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, मैं आपसे कहता हूँ। और इस समय तो आप जब एडमिशन लेंगे सैफ 10 रेफरल कोड यूज करने पे 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, तो ऑन एवरेज आपका 9,000 में पूरा का पूरा पैकेज होने वाला है पेपर वन और पेपर टू का। और जिस भी टीचर से आप चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार आप पढ़ सकते हैं, और सारी विद सारी ऑल फैसिलिटीज प्लस पर, ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप एक साथ 9,000 रुपीज पे नहीं कर सकते 10,000 रुपीज, तो आप क्या करिएगा, मंथली बेसिस पर EMI सिस्टम पर भी आप पे कर सकते हैं। एन अकेडमी बच्चों के लिए इतना कुछ करती है, इतना कुछ सोचती है, तो बहुत आसान है। अगर आपको लगता है वाकई आपको GRF क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना है, तो आप प्लीज हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए।
बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें आपको वहां पे कवर कराई जाएंगी। और यहाँ पे भी देख ही रहे होंगे आप कि किस तरीके से हम आपके साथ यहाँ पे जुड़े हैं और आपको इतनी मेहनत के साथ देखिए टॉपिक आसानी के साथ समझाते जाते हैं। तो गैस बिल्कुल मत भूलिएगा इस चीज को, आज लास्ट डेट है, हरी अब उसका याद रखिएगा। फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अब राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, चलो इसको भी समझते हैं आसानी के साथ। सैफ सर आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल कवर कराने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गैस, ठीक है। अब हम राष्ट्रपति महोदय जी के कार्यकाल को समझते हैं। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव टेन्योर, इसका मतलब हुआ कि एग्जीक्यूटिव टेन्योर का मतलब है कि जब कार्यकाल, एक तो उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए तब वो अपने पद से हट जाएंगे, जाहिर सी बात है टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी हट जाएगा। उसके बाद या तो सीटें कब वैकेंट हो सकती है, जैसे कि डेथ हो जाए, भाई अब किसी की डेथ हो गई तो फिर सीटें तो खाली होगी, या कोई राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, या उसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस आ जाए। इम्पीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 61 महाअभियोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको आज ही समझेंगे हम, ठीक है। तो इम्पीचमेंट के थ्रू, महाअभियोग के थ्रू भी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, और साथ ही साथ डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस, यानी कि या तो उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट उसको उसके इलेक्शन को निरस्त कर दे, डिस्क्वालीफाई कर दे कि नहीं आप कैपेबल नहीं थे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तभी उसका कार्यकाल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा या खाली रहेगी सीटें। तो इसके हिसाब से हमारे संविधान में बोला गया है कि राष्ट्रपति के जब सीट खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उसके वैकेंसी को फिल कर लिया जाए। क्योंकि देखिएगा प्रेसिडेंट इतना देश का इतना इंपॉर्टेंट पद है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कभी भी इसको खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट देश का हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है, भाई देश का संवैधानिक प्रमुख है। हमारे दस देश कुर्सी पे प्रमुख ही नहीं बैठेगा तो फिर देश कैसे चलेगा। बहुत सी चीजें इसी वजह से बोला गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए जब ऐसी कंडीशन कभी आएगी तो देश में। और कभी भी प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली नहीं रहेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है इस तरीके से तो तुरंत उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाएंगे, याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाएंगे। और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है उनकी जगह पे, तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठ जाएंगे प्रेसिडेंट की कुर्सी पे, ठीक है। और मान लीजिए चीफ जस्टिस भी नहीं है तब कौन बैठेगा, तब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई अदर सीनियर जजेस बैठेगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का अदर सीनियर जजेस भी नहीं है तो कौन बैठेगा, उसके आगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है कहा बस। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि प्रेसिडेंट ना हो, फिर वाइस प्रेसिडेंट ना हो, सीजीआई ना हो, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ना हो, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। तो कोई ना कोई तो होगा, तो इसी वजह से प्रेसिडेंट की काम होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक नया इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाएगा, तो उसी तरह से सीटें फुलफिल हो जाएगी। गाइस आई होप आप मेरे लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से यही सम्मान यही प्यार से उम्मीद करते हैं आपकी बरकरार रहे, और सिर्फ मेरे लिए नहीं सारे टीचर के लिए आपके लिए सम्मान होना चाहिए। आप मैं आपसे हमेशा कहता हूँ एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान होती है कि वो अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का, वालिदैन का और ओबे करने वाला हो, अपने से बड़ों का ओबे करने वाला हो, अपने टीचर्स के, अपने गुरु का ओबे करने वाला हो। तो आप इनकी जब बात मानेंगे ना, देखिए लाइफ में कुछ ही लोगों की बात बिल्कुल हमेशा माननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अपने गुरु की बात माननी चाहिए। और जो इंसान अपने पेरेंट्स की और अपने गुरु की बात मानता है तो देखिएगा उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस चीजों को ख्याल रखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से यही सम्मान यही प्यार बनाए रखिएगा, और हम भी इसी इससे ज्यादा एनर्जी के साथ, इससे दुगनी मेहनत के साथ आपके सामने रोज मैं आने वाला हूँ, और एक एक टॉपिक पे मैं रोज नए टॉपिक लेकर के सारे पॉइंट्स कवर कराने वाला हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट जो मुझसे पिछले 1 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं वो इस चीज के गवाह होंगे, वो इस चीज को मानते होंगे कि सैफ सर पूरी यूनिट 1 यूनिट 2 या यूनिट 3, ठीक है, या प्लस स्पेशल पे जो पढ़ा रहे हैं, रोज मैं नई टॉपिक के साथ आता हूँ, चीजें को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो कोई टॉपिक मिस नहीं करने वाला हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे जो चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ उसके मेरे प्लेलिस्ट खोलिए, मेरा नाम सर्च करिए मोहम्मद सैफ अहमद, आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी और पीछे की सारी वीडियोस देख लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पहले की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और फिर लगातार हमसे लाइव बने रहिएगा, आगे की चीजें पढ़ते रहिएगा। और जो अकेडमी का उद्देश्य जीआरएफ 2021 है बिल्कुल वो फुलफिल होगा, लेट्स क्रैक इट होगा गाइस, बिल्कुल, लेकिन आप भी साथ दीजिए और हम तो आपके साथ है ही हैं। चलो बच्चों बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजों को मैं बता रहा था, अब हम इम्पीचमेंट को समझते हैं, आर्टिकल नंबर 61 को, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 61 है, और ये आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट है, यानी कि हिंदी में बोल दूं महाअभियोग, महाअभियोग की प्रक्रिया दी गई है।
तो बेफिक्र रहिएगा, आपको सैफ सब छुट्टियों में समझाने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखो। सबसे पहले तो महाभियोग कब लाया जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर, उसके लिए सीधा सीधा आधार हमारे संविधान में बता दिया गया है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति जी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उनके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा और उनके हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब देखते हैं, ये आधार है हटाने का, वायलेशन का कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 61। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं, इसको मैं हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब पहले इंग्लिश में, A resolution in this regard can be introduced in either house of the parliament। मतलब कि राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, नंबर एक पॉइंट, किसी भी सदन में, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद लेकिन दो शर्तें फुलफिल होना चाहिए। उससे पहले कौन कौन सी दो शर्तें हैं? टू कंडीशन शुड बी फुलफिल, और वो दो कंडीशन कौन कौन सी होंगी? टोटल नंबर ऑफ 1/4 मेंबर शुड बी साइन, यानी कि तभी राष्ट्रपति महोदय को ये प्रक्रिया संसद में लाई जाएगी जब कम से कम 1/4 सांसद समर्थन में हो कि हाँ भैया इनको हटाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं जब मन कर गया दो चार सांसद मिले कि चलो राष्ट्रपति को हटाना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। सोचो 1/4 मतलब समझते हैं 545, और ये लोकसभा का नंबर है और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। तो अब इसका आप लोग मैथमेटिक्स तो है आप लोगों में, मैथ रीजनिंग है, तो आप लोग कैलकुलेट करिएगा 545 का 1/4 कितना होता है, 245 का 1/4 कितना होता है, ठीक है। तो इतने लोगों का समर्थन होना चाहिए। और 14 दिन पहले मान लीजिए रामनाथ गोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, हालांकि उनको मैं हटा नहीं रहा हूँ, ये मैं सोचेगा मैं उनको हटाने जा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अब मान लीजिए रामनाथ गोविंद जी पर आ गया प्रस्ताव, 1/4 सांसदों ने समर्थन दे दिया कि इनको हटाया जाए, प्रस्ताव आ गया संसद में। अब लेकिन उससे पहले क्या होना पड़ेगा, 14 डेज पहले रामनाथ गोविंद जी को ये नोटिस दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ आपको हटाने की महाभियोग प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। अब उनको भी कुछ राइट मिलेगा, वो देखते हैं। अब रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में, अब वहां पे वोटिंग शुरू होगी। और मान लीजिए लोकसभा में आ गया, तो लोकसभा में वोटिंग हुई और तभी पास होगा जब ये 545 का 2/3 यानी कि 545 में से 2/3 मेंबर वोटिंग करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे, तो लोकसभा में तब जाकर ये पास होगा, याद रखिएगा। स्पेशल मेजोरिटी से मान लीजिए लोकसभा में इसको पास कर दिया गया, अब रामनाथ गोविंद जी के पास क्या ऑप्शन होगा, देखिए जब लोकसभा में पास हो गया तो ये बिल कहाँ भेजा जाएगा, ये रिजोल्यूशन दूसरे हाउस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अब दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा। मान लीजिए लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा गया, या राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा आया, अब दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद क्या होगा फिर हम देख के चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद द अदर हाउस एक्ट एज इन्वेस्टिगेशन हाउस, इन्वेस्टिगेशन दैट चार्जेस ऑन प्रेसिडेंट, तो वो राष्ट्रपति पर लगे गए जो आरोप हैं उसकी जांच करेगा, और एक कमेटी खुद भी कर सकता है सदन, या कोई कमेटी के माध्यम से कर सकता है, कोई कमेटी बना दी जाएगी, और प्रेसिडेंट को ये राइट होगा कि वो क्या कर सकते हैं, डिफेंड करने का अधिकार होगा, या तो खुद से वो अपने आप को डिफेंड करें या थ्रू एन एडवोकेट, यानी कि या एक तो वकील कर लें और वकील के माध्यम से अपनी बात रखें कि देखिए आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही नहीं है। उसके बाद जांच होगी, जांच में अगर इन पे आरोप सही पाए जाएंगे तो दूसरे हाउस में भी वोटिंग शुरू होगी, और दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसेस चलेगा, यानी कि 2/3 से वहां पे भी अगर दूसरा हाउस भी इसको पास कर देगा तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया सफल मान ली जाएगी। इस हिसाब से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, जो मेरे किसी भी बच्चों को दिक्कत ना आए, तो आप याद रखिएगा मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। तब तक आप लोग लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, बिल्कुल बहुत मजा आने वाली है। मंडे टू फ्राइडे देखिएगा, आपको शानदार लेक्चर मिलने वाला है यूट्यूब पे। सैटरडे संडे मैं फिर से बता दूं आपको, सैटरडे संडे स्पेशल क्लास है, उसके बारे में भी बाद में बात कर लूंगा, लेकिन चलो प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा था, तो प्रेसिडेंट का बात है यहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में मैं बात कर रहा था। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे समझ लो कितने स्टेप हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन लाने से पहले क्या होना चाहिए, टू कंडीशन, इसको ऐसे समझ लो, दो कंडीशन, दो शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि 1/4 मेंबर की कम से कम साइन होना चाहिए। उसके बाद 14 डेज
प्रायर नोटिस होनी चाहिए, प्रायर नोटिस होनी चाहिए। ठीक है, जब ये दो कंडीशन पूरी हो जाएगी तो कहां रिजोल्यूशन आएगा, हाउस में आएगा, मतलब सदन में आएगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। मान लीजिए लोकसभा में आया, अभी वहां पे वोटिंग होगी, टू थर्ड से इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाएगा। जब टू थर्ड स्पेशल मेजोरिटी से पास करा दिया जाएगा तो फिर ये लोकसभा से रिजोल्यूशन राज्यसभा चला जाएगा, राज्यसभा इसकी जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन खुद भी कर सकता है राज्यसभा या एक कमेटी के माध्यम से करेगा। और राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और डिफेंड खुद से भी कर सकता है, सेल्फ भी कर सकता है, या किसी एन एडवोकेट के माध्यम से कर सकता है। और फिर राज्यसभा इसकी जांच करने के बाद वोटिंग शुरू होगी, यानी कि अगले हाउस में भी वोटिंग होगी, और वो हाउस भी टू थर्ड से अगर पास कर देगा तो राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया होगी, इम्पीचमेंट को क्या मान लिया जाएगा, सफल मान ली जाएगी, यानी राष्ट्रपति महोदय जी अपने पद से हटा दिए जाएंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखिए ये था हमारा आज का लेक्चर प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको फिर से मंडे टू फ्राइडे मिलता रहेगा आपको, और कल सैटरडे है और परसों संडे। गाइस मैं आपसे फिर बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, सैटरडे संडे मैं सैफ सर आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो अभी से सबको बता दो, शेयर कर दो, खूब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो कि सैफ सर कल सुबह 10 बजे से आने वाले हैं। सैटरडे संडे दोनों का टाइम नहीं रहेगा, मैं आपको कम से कम 2 घंटा पढ़ाऊंगा, 10 से 11 पढ़ाऊंगा, 10-15 मिनट या आधे घंटे के ब्रेक के बाद जाइएगा, लंच करिएगा या ब्रेकफास्ट करके आइएगा, और फौरन हमारे साथ 11:30 से फिर जुड़ जाइएगा और 11:30 से 12:30 पढ़ाएंगे। और पढ़ने का मन होगा तो और बताइएगा, जैसी आपकी डिमांड होगी बिल्कुल मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ क्लास, अभी जा करके थोड़ी देर बाद मैं कल की क्लासेस लगा देता हूँ सैटरडे संडे की स्पेशल क्लास 10 बजे से, तो बेफिक्र रहिएगा। मेरी प्रोफाइल जिसको नहीं मिल रही है, मेरा नाम है मोहम्मद, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मोहम्मद सैफ अहमद, मोहम्मद सैफ अहमद, आप सर्च करिएगा मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, और बहुत से बच्चे मुझे ज्वाइन करते हैं, वो भी हेल्प कर दें इन लोगों की, बाकी लोगों की। और हाँ गाइस, अनलॉक करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आपको अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सैफ 10 रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, सैफ 10, ठीक है। तो गाइस इसका याद रखिएगा, सैफ 10 यूज कर लीजिएगा, और प्लस पर एडमिशन लेंगे तो भी सैफ 10 का यूज करना पड़ेगा, और आपको 10% सैफ सर की वजह से वहां पे ऑफ मिलने वाला है। तो मैं अपनी सारी टाइमिंग, सारी चीजें बच्चों आप लोगों से क्लियर कर चुका हूं, तो आई होप आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बस आप खूब मेहनत करो, टाइमिंग का ख्याल रखना, स्पेशल क्लास पे कल जरूर मिलना सबके सब लोग, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से जो टॉपिक की ज्यादा डिमांड होगी मैं वो सीरीज लेकर के आ जाऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे 10th यूनिट जो आपकी है कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में आपको, आप खुद देख रहे होंगे लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 4 नई यूनिट के साथ 4 नए टॉपिक रोज लेकर के आता हूं मैं आपके लिए, तो बिल्कुल मैं हैबिचुअल हो चुका हूं आपके लिए, जो भी कहेंगे जैसे भी कहेंगे सारी टॉपिक आपको मिलती रहेंगी। तो नो डाउट अपने टाइमिंग यही रहेगी, 11 से 12 अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस, 4 से 5 यूजीसी नेट, और 10 से 10:30 नेक्स्ट लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, और उसके बाद सैटरडे संडे स्पेशल क्लास। तो क्यों घबरा रहे हो, इतनी ज्यादा क्लासेस आपके लिए है, और फिर प्लस पे भी आप हमसे जब एडमिशन ले लेंगे तो प्लस पे भी आप पढ़ेंगे हमसे, ओके ओके गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, इस तरीके से पढ़ाई करिए कि लेट्स क्रैक इट वाला सपना फुलफिल हो जाए, आप जाइए अच्छे से एंजॉय करिएगा, ओके थैंक यू।